अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं चैप्टर टू के। और शॉर्ट सा ये चैप्टर था, तो इसमें हमने चंद एक चीज़ें देखी हैं। मेन इसमें की का चैप्टर था, हमने इसमें वेरिएबल लेंथ और फिक्स्ड लेंथ थोड़ा सा डिस्कस किया। और इसमें ज़रा देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। द फर्स्ट वन आप मार्क कर लें, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेंथ फील्ड एंड वेरिएबल लेंथ। आपको आइडिया है कि फिक्स लेंथ फील्ड हम कहते हैं प्री डिफाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जहाँ पर आप एक किसी भी फील्ड को फिक्स कर देते हैं। और फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है जिस तरह 4 अगर करेक्टर्स वो ले रहा है, तो मैं अगर फिक्स कर देता हूँ, मुझे आप पता है हर रोल नंबर 4 करेक्टर्स लेगा, तो मैं उसको फील्ड को फिक्स कर सकता हूँ। तो इस तरह से इट मे रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस। इससे इसका नुकसान एक ये होता है कि ये स्टोरेज स्पेस का एक वेस्टेज है। फॉर एग्जांपल मैं अगर रोल नंबर मेरे पास 2 अगर लेटर्स का भी हो, ठीक है, उसके बावजूद जो फील्ड है ना आपकी, वो 4 बाइट्स ही लेगी, तो ये इसका नुकसान है। इवन मैं अगर एक ही उसमें डिजिट दूँ और 3 डिजिट ज़ाहिर है, वो हर फील्ड में वेस्ट जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर वेस्टेज होता है। जबकि वेरिएबल लेंथ का ये फीचर है कि इसमें जितने आपने जो है ना लेंथ दी है, मैक्सिमम स्पेसिफाई कर देते हैं 20 या 25, लेकिन अगर अली नाम दिया आपने, ठीक है, तो फिर ये 3 करेक्टर्स वो लेगा, बाकी 17 बाइट्स आपके ज़ाया नहीं होंगे। तो यानी हर फील्ड जो है वो वेरिएबल लेंथ की होती है, तो इसमें ये फ़ायदा होता है। राइट जी, डिफाइन द टर्म टेबल। टेबल क्या है? इट इज़ अ 2 डायमेंशनल अरे। और 2 डायमेंशनल क्यों कहते हैं इसको? रोज भी होती हैं इसमें और कॉलम्स भी होती हैं, तो इसको हम रिलेशन भी कहते हैं टेबल को। द रिलेशन आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। और ये रिलेशन में, इस रिलेशन में क्या चीज़ स्टोर होती है? किसी भी एंटिटी से मुतलिक इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का टेबल, टीचर का टेबल। स्टूडेंट के टेबल में, स्टूडेंट के रिलेशन में स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, टीचर के टेबल में टीचर के। तो टीचर भी एक एंटिटी है और स्टूडेंट भी एक एंटिटी है। याद रखें, हर वो चीज़ जो कुछ प्रॉपर्टीज रखती है, जो कुछ फीचर्स रखती है, वो एंटिटी कहलाती है। हाँ जी, नेक्स्ट वैसे आ ही गया वो क्वेश्चन भी जो मैंने अभी बताया। व्हाट इज एंटिटी? एन एंटिटी इज एनी थिंग अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। हर वो चीज़ जिसके मुतालिक डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, हम उसे कहते हैं एंटिटी। एन एंटिटी मे हैव मैनी एट्रीब्यूट्स विद यूनिक नेम्स। एक एंटिटी की बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक है, एक एंटिटी है, ठीक है, आपका जो पेन है वो भी एक एंटिटी है, मार्कर एक एंटिटी है। कोई भी चीज़ ले लें आप जिसके मुतलिक कोई डाटा अगर प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप उससे मुतलिक कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं ना अपने डेटाबेस में, तो बस वो एंटिटी कहलाएगी, क्योंकि वो कुछ फीचर्स कुछ एट्रीब्यूट्स कैरी करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। कल हमने शायद देखी थी लास्ट टाइम के 4 प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं जी? आपके कोई डुप्लीकेट रो डेटाबेस में नहीं एग्जिस्ट कर सकती, नहीं करती। सेकेंडली, ऑर्डर ऑफ रोज जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। थर्डली, ऑर्डर ऑफ कॉलम्स भी इनसिग्निफिकेंट है, कि कॉलम्स आगे पीछे हो जाएं, रोज आगे पीछे हो जाएं, कोई मसला नहीं। फोर्थली, द कॉलम्स एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक। एलिमेंटल या एटॉमिक कहते हैं कि सिंगल सिंगल वैल्यू, कि आपके हर कॉलम में या हर फील्ड में एक ही वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल एज, अगर एज का कॉलम है, एज की कोई फील्ड ले लें आप, अली की एज में एज ही आएगी ना, उसमें आपका अली के एज के साथ कोई एड्रेस तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो हर फील्ड में अगर एड्रेस की फील्ड है, तो उसमें एड्रेस आएगा, सिर्फ एज नहीं आ सकती साथ साथ। तो हर एक फील्ड में एक ही वैल्यू आएगी, तो उसे कहते हैं एलिमेंटल या एटॉमिक। नेक्स्ट जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यू। डिफाइन व्यू क्या होता है जी? व्यू, अ व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल। जी आप साथ साथ जो है ना बुक भी पास रखें और पेन भी पास रखें, इनको मार्क करते जाएं और इनको लिसन भी कर लें, याद भी कर लें। अ व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल दैट डिस्प्लेज़ द डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। व्यू क्या है? एक वर्चुअल टेबल है। वर्चुअल कहते हैं ऐसी चीज, ऐसा चीज़ जो हकीकी तौर पर एग्जिस्ट ना करती हो। और व्यू, फॉर एग्जांपल व्यू होता क्या है? आपका एक टेबल बना हुआ है स्टूडेंट का, ठीक है,
एक टीचर का अलग से टेबल बना हुआ, लेकिन मैं जनाब एक व्यू बनाता हूँ, ठीक है, एक व्यू के फॉर एग्जांपल टीचर अली, प्रोफेसर अली किन किन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो अब ज़ाहिर है प्रोफेसर अली की एंट्री टीचर के टेबल में से आपको चाहिए, और स्टूडेंट्स कुछ चंद एक स्टूडेंट के एंट्री में से ज़ाहिर है वो आपको, अब इस तरह इसका जो है ना, ज़ाहिर है अगर प्रोफेसर अली 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो इसका एक व्यू बन जाएगा, एक टेबल बन जाएगा, तो वो जो टेबल है छोटा सा वो कहलाएगा व्यू। हालांकि ये टेबल असल में एग्जिस्ट नहीं करता, असल में जो एग्जिस्ट करता है आपके डेटाबेस में वो स्टूडेंट का टेबल और टीचर का अलग से टेबल एग्जिस्ट करता है। तो आरजी तौर पे कोई टेबल क्रिएट अगर हो जाए इस तरह से जो आपकी क्यूरी कहलाती है, तो वो हम उसे कहेंगे व्यू। दैट व्यू इज़ अ विचुअल टेबल दैट डिस्प्लेज द डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल, जो एक से एक से ज्यादा टेबल से डाटा उठाता है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग व्यूज, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि डाटा आपका सेफ रहे। सब टाइम ऐसा होता है स्टूडेंट का, मैं व्यू बनाकर अपने असिस्टेंट को दे देता हूँ, स्टूडेंट के टेबल में अगर 10 कॉलम्स हैं, मैं चाहता हूँ कि वो मेरा असिस्टेंट सिर्फ 6 कॉलम देख सके, तो मैं क्या करूँगा उसका एक व्यू बनाऊँगा 6 कॉलम का और उसको दे दूँगा। हालांकि 6 कॉलम का कोई टेबल मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, मेरे टेबल में मेरे डेटाबेस में स्टूडेंट का 10 कॉलम का और टीचर का 15 कॉलम का एग्जिस्ट करता है सपोज। तो आरजी तौर पर एक आपने व्यू क्रिएट किया स्टूडेंट का और वो 5 या 6 कॉलम का बनाकर दे किसी को दे दिया, तो वो कहलाएगा। तो इसलिए क्या होता है आपके डेटाबेस की प्रोटेक्शन हो जाती है, आप उसको डेटाबेस को आपने सिक्योर कर लिया अनऑथराइज्ड इलीगल यूजर्स। राइट जी, नेक्स्ट आपका है डिफाइन की। की क्या होती है जी? अ की इज एस एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल। टपल कहते हैं रिकॉर्ड, एक टेबल में रिकॉर्ड को हम टपल कहते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करना जो है वो की का बुनियादी मकसद है। लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, कौन कौन से कीज हैं यहाँ पे, नाम जरा देख लें यहाँ पे, प्राइमरी सेकेंडरी कैंडिडेट की अल्टरनेट की कंपोजिट या कॉन्कैटिनेट की सॉर्ट या कंट्रोल की और आप इन पे फॉरन की। प्राइमरी की क्या होती है जी? ये ऐसी एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट है यूनिकली आइडेंटिफायर हो और रिकॉर्ड इन रिलेशन इज कॉल्ड प्राइमरी की। यूनिकली ऐसे यानी एक एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन जो यूनिकली आपको फाइंड करके दे एक रिकॉर्ड, तो हम उसे कहेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की 3 खसूसियात क्या है जी? मेन खसूसियात उसकी, हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है पहली बात, और ईच वैल्यू मस्ट बी यूनिक, हर वैल्यू जो है उसमें यूनिक होगी, और आखिरी बात तीसरी बात जो है वो क्या है, प्राइमरी की में कोई नल वैल्यू नहीं हो सकती, कोई खाली ब्लैंक फील्ड ब्लैंक सेल नहीं हो सकता। डिफरेंशिएट बिटवीन कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की, क्या फ़र्क है जी कैंडिडेट और प्राइमरी की में? कैंडिडेट की हम कहते हैं, यहाँ चलें इसकी बुक से डेफिनेशन ही देख लेते हैं, आपने तो क्योंकि यही याद करनी है। अ रिलेशन कैन हैव मैनी एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, ठीक है जी। तो द एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज एज प्राइमरी की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। ऐसे एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो प्राइमरी की के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें कहते हैं कैंडिडेट की। फॉर एग्जाम्पल आपका CNIC, आपका रोल नंबर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब क्या है? कैंडिडेट की, क्योंकि ये सब को आप प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से किसी एक को आपने चुन लिया, CNIC को चुन लिया, तो ये बन जाएगी प्राइमरी की, यानी प्राइमरी की आप उठाते किन में से? कैंडिडेट कीज में से। तो यहाँ देखें आखिरी लाइन में यही बात करें, द सिलेक्टेड कैंडिडेट की टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स इन द रिलेशन बिकम्स प्राइमरी की। उन तीन कीज में से आपने, तीन कैंडिडेट कीज में से आपने किसी एक को अगर चुन लिया, तो वो बन गई क्या? आपकी प्राइमरी की। तो ये फ़र्क है, कैंडिडेट की होती है उम्मीदवार, वो असल में प्राइमरी की बनने की उम्मीदवार होती है, आपने किसी एक कैंडिडेट को चुन लिया। वॉट इज सेकेंडरी की? सेकेंडरी की इज एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज टू एक्सेस और रिट्रीव रिकॉर्ड्स। ये क्या होता है जी? एट्रीब्यूट या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन जो रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने के लिए यूज हो, हम उसे कहते हैं सेकेंडरी की। प्राइमरी की भी कुछ ना कुछ फाइंड कर रही है, मगर प्राइमरी की हमेशा एक यूनिक रिकॉर्ड फाइंड कर रही है।
और जबकि सेकेंडरी की भी फाइंड कर रही है मगर यूनिक रिकॉर्ड नहीं देती, ये काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स आपको दे सकती है। मैं अगर लिखता हूँ थर्ड ईयर तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स मुझे दे देगी ये वाली की, थर्ड ईयर के तमाम बच्चे दे, ठीक है। सेकेंड ईयर लिखूंगा तो सेकेंड ईयर का पूरा ग्रुप आ जाएगा। सेकेंडरी की वैल्यूज मे नॉट बी, ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यूज यूनिक हो, और सेकेंडरी की वैल्यू मे रेफर टू मैनी रिकॉर्ड्स, ठीक हो गया। व्हाट डू यू नो बाय कैंडिडेट की एंड अल्टरनेट की, क्या फ़र्क है जी कैंडिडेट की और अल्टरनेट की? देखें आपको कैंडिडेट की और प्राइमरी की में फ़र्क पता चल गया। कैंडिडेट कीज, अब सपोज आपने उन तीन कैंडिडेट कीज में से एक को तो बना दिया प्राइमरी की, ठीक है, जबकि वो जो दो बच गई थी ना हैं तो वो कैंडिडेट कीज ही, मगर उनको आप कहोगे अल्टरनेट की। तो वही चीज़ यहाँ अगर आप पढ़ लें इसको, वही चीज़ वो कह रहा है कि अल्टरनेट की के आखिरी लाइन में देखें, द कैंडिडेट कीज दैट आर नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की आर नोन एज अल्टरनेट कीज, राइट। कॉम्पोजिट की क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्कैटिनेट भी की भी कहते हैं इसको। अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट, ऐसी प्राइमरी की जो दो या दो से जायद एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल हो उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट की, यानी कम अज़ कम दो एट्रीब्यूट्स, एक एट्रीब्यूट वाली को आप कॉम्पोजिट की नहीं कहेंगे, ठीक है। रोल नंबर है, जिस तरह आप स्टूडेंट के टेबल में रोल नंबर पर लगाते हैं प्राइमरी की, वो कॉम्पोजिट नहीं है, ठीक है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 है हमारे पास, 20, यस 20। फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की हमने देखा था तहसील से, तो ये भी एक एट्रीब्यूट या कॉम्बिनेशन एट्रीब्यूट्स है एक टेबल में, हुज वैल्यूज मस्ट मैच है प्राइमरी की इन द रिलेशन, इसकी वैल्यूज जो है वो लाजमी मैच करनी चाहिए प्राइमरी की से किसी और टेबल की, प्राइमरी की से मैच लाजमी करनी चाहिए। द टेबल इन विच फॉरन की इज क्रिएटेड इज नोन ए डिपेंडेंट टेबल, जिस टेबल में फॉरन की पाई जाती है हम उसे कहते हैं डिपेंडेंट टेबल, या इसको चाइल्ड टेबल भी कहते हैं। जबकि द टेबल टू विच द फॉरन की रेफर्स, जबकि ये की यही फॉरन की किसी दूसरे टेबल को अगर रेफर कर रही है, जाहिर प्राइमरी की वाले को रेफर करना है उसने, तो हम उसको कहेंगे पेरेंट टेबल, जहाँ पे उससे रिलेटेड प्राइमरी की पाई जाती है ना जिस टेबल में, हम उसे कहेंगे पेरेंट टेबल, या उसे इंडिपेंडेंट टेबल भी कहेंगे। तो फॉरेन की वाला टेबल क्या कहलाता है, डिपेंडेंट टेबल, और जो है प्राइमरी की वाला टेबल क्या कहलाता है, पेरेंट टेबल। व्हाट आर डिपेंडेंट एंड पेरेंट रिलेशंस, ये वही बात कर रहा है दोबारा से, ठीक है, इसको रीड कर लें। द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड इज नोन एज डिपेंडेंट, जहाँ फॉरेन की होगी उसे कहते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा होता है प्राइमरी की वाले पे। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, प्राइमरी की फॉरेन की में क्या फ़र्क है जी, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, रो को, और फॉरेन की रेफर्स टू, वो रेफर करती है प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल की। प्राइमरी की कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज, प्राइमरी की कोई नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करती, और जबकि फॉरेन की में हो भी सकती हैं नल वैल्यूज। और दूसरी बात, रिलेशन कैन हैव ओनली वन, रिलेशन में एक ही प्राइमरी की होती है जबकि एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है। अच्छा जनाब, 23 क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स हम क्यों इसका बनाते हैं, क्या एडवांटेज है, क्योंकि ये सेकेंड लाइन में लिखा है, देखें इसकी, इंडेक्सेस आर यूज टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस, इंडेक्सेस से आपकी डेटाबेस में सर्चिंग की जो स्पीड है वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि आप सॉर्टिंग अप्लाई कर देते हैं उसमें, और इस तरह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इंडेक्स फाइल, ये वही बात 24 में वही 23 वाली बात ही कर रहा है, तो इम्पोर्टेंट है बैल दोनों ही इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वो। डिफाइन इंडेक्स फाइल, हु इज़ एंड यूज़र, कौन होता है जी एंड यूज़र, जो आखिरी यूज़र, फॉर एग्जाम्पल जो डेटाबेस को इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं ना, जिन्होंने डेटाबेस के एप्लीकेशन को यूज़ करना है, उनकी नीड्स होती हैं, और जिनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता कंप्यूटर का, वो कहलाते हैं आपके एंड यूज़र्स, इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है जी, ऐसा पर्सन जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डेटा का जिम्मेदार है, और
ही नॉर्मली डेवलप्स था, और उसको पता होता है कि तमाम हर चीज़ का, तो वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बनाने में हेल्प कर सकता है डीबीए को, क्योंकि वो जानता है हर तरह के फंक्शन को उस ऑर्गेनाइजेशन, वो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है तमाम डेटाबेस को, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पर नहीं, नॉन टेक्निकल ग्राउंड्स। राइट थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हम डीबीए भी कहते हैं। थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं जिसकी, इंक्लूड असाइनिंग परफॉर्मेंस परमिशन टू डिफरेंट यूजर्स, वो डिफरेंट यूजर्स को परमिशंस राइट्स असाइन करता है, मॉनिटर भी करता है, मॉनिटरिंग करता है डेटाबेस सिस्टम का, और सॉल्व करता है हर तरह की प्रॉब्लम जो डेटाबेस सिस्टम में आ सकती है। ठीक हो गया जनाब, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये, लेट्स सी कोई आगे नेक्स्ट पेज तो नहीं है, यस हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये जनाब अब आपके चैप्टर टू तक हमने 1 और 2 चैप्टर कवर कर लिया, आपने सिंपल सा है ये चैप्टर और कंसेप्चुअल है, ऐसे तैयार करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 3 ज़रा स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, अस्सलाम वालेकुम।